गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, ट्रस्ट इन गॉड. सो गॉड हैज़ क्रिएटेड अस सो वी आर हिज चिल्ड्रन, मींस गॉड ने, भगवान ने हमें बनाया है तो हम उनके बच्चे हैं. ही टेक्स केयर ऑफ अस. लुक एट द फ्लावर्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ देम टू हेल्प अस, मींस गॉड हमारा ख्याल रखता है. जो ये फूल है, चिड़िया है, पेड़ है और ये बाकी जो एनिमल्स हैं, इन सबको किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है. गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ देम टू हेल्प अस. उन्होंने उन सबको बनाया ताकि वो हमारी हेल्प करें. थिंक हाउ काइंड गॉड इज़ टू अस, मीन्स देखो गॉड हमारे लिए कितने अच्छे हैं. We are precious to him. He loves us all the time, but our duty is to have trust in him and be good. Means, वो हमारे लिए बहुत सच्चे हैं and हमें उनसे प्यार करना चाहिए and God हमसे बहुत प्यार करते हैं. पर हमारी ड्यूटी क्या होती है? हमें God पे ट्रस्ट करना है. बस हमारी ड्यूटी ये है कि हमें गॉड पे ट्रस्ट करना है. ट्रस्टिंग इट इन गॉड मेक्स अस पावरफुल. दिस पावरफुल कैन हेल्प अस नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग. मींस हमें गॉड पे भरोसा करना चाहिए. हम अगर गॉड पे भरोसा करेंगे तो हम क्या फील करेंगे? पावरफुल फील करेंगे. दिस पावर कैन हेल्प अस नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग. मींस जो ये गॉड हमें पावर देता है, हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ वी ट्रस्ट हिम, ही विल नॉट लेट अस फेल. अगर हम गॉड पे भरोसा करेंगे तो वो हमें कभी फेल नहीं होने देंगे. जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन हु ट्रस्ट हिज फादर डियर. मीन्स हमें गॉड पे ट्रस्ट करना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपने पापा पे ट्रस्ट करते हैं. एंड हु इज़ delight to feel his presence near. Just like a child who mind his has no doubt. Means वो जो हमारे पास होने का महसूस कराता है and वो child जो जिनके mind में कभी कोई doubt नहीं होता है. And whose heart is never proud. Just like a child so weak that he cannot stand. But who holds firm and ties to his mother hand. Means whose heart is never proud. Means जिसका हमारा जो दिल है जो proud feel करे. Just like child so weak that he cannot stand. ऐसा नहीं हो कि जो child है जो वो बहुत weak है और खुद पे खड़ा नहीं हो सकता है. But who holds firm tight his mother hand. ऐसा भी ना हो कि वो अपने मदर का हैंड टाइटली पकड़ के खड़ा हो. जस्ट लाइक अ चाइल्ड हु सिंग्स इन ब्राइट डे लाइट फेयरिंग नॉट अ लॉन्ग डार्क नाइट. मीन्स हम जैसे गाना गाते हैं ज़ोर से और बहुत अच्छे से, फेयरिंग नॉट द लॉन्ग डार्क नाइट. जैसे हम डरते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग डार्क नाइट नहीं होता है. We should always have complete trust in our parents. हमें पूरा trust है अपने parents में, अपने mother and father पे. We should not have any kind of fear because we all know that our parents should protect us and take care of us. Means हमें किसी भी चीज़ की डर नहीं है. क्यों? Because we know, हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारा ख्याल रखते हैं. सिमिलरली वी मस्ट ट्रस्ट गॉड. जैसे ही हम अपने गॉड को ट्रस्ट करते हैं, मींस हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए. व्हाई? बिकॉज गॉड प्रोटेक्ट अस एंड टेक केयर ऑफ अस. जैसे हमारे मदर एंड फादर हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे ही गॉड हमारा ख्याल रखते हैं. Okay, so this is a chapter. You have to read this chapter and I will give you some word meaning, fill in the blanks,
and some question answers you have to do in your notebook. Thank you.